हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टाइल यूनिक फैशन। दोस्तों आज हम कर रहे हैं दो बटन कोट की कटिंग। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिए ताकि आने वाली कटिंग की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों नाप आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है। पहले हम दावन का निशान लगाएंगे। दावन का निशान देखिए, एल स्केल से इसको पहले ऐसे हम एक सीधा एक पहले हम एक निशान लगाएंगे ऐसे। उसके बाद हम इसमें दाब रखेंगे। दाब आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। हम 1.25 इंच का दाब रख रहे हैं। 1.25 इंच हो गया। अब हम लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई देखिए 28 है। 28 को इस निशान पर रखेंगे। इस निशान पर देखिए ऐसे रख के एकदम ऐसे सीधा करके हम ऐसे निशान लगा देंगे। अब हम आर्मोल का निशान लगाएंगे। सीना देखिए 37.5 है, उसका चौथाई करेंगे तो 9.5 इंच में एक सूत कम आएगा। तो 9.5 इंच में एक सूत कम पे हम निशान लगा देंगे और ऊपर एक निशान लगाएंगे 1.5 इंच पे। अब हम ऊपर वाले निशान से 16 पे एक निशान लगा लेंगे। 16 हो गया। अब हम सारे निशान को पहले सीधा कर लेंगे। दोस्तों नीचे हम 1.5 इंच पे निशान पहले लगाएंगे। 1.5 इंच यहाँ पे, 1.5 इंच यहाँ पे, 1 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे। अब हम सारे निशान को मिला लेंगे। दोस्तों पहले हम ये हाले का निशान लगाएंगे। हाले के निशान हम 3 इंच पे लगाएंगे। 3 इंच हो गया और इस निशान से 1 इंच ऊपर एक निशान लगा लेंगे। 1 इंच ये ऊपर हो गया। अब शोल्डर देखिए हमारा 18.5 है तो उसको आधा करेंगे। 9.25 इंच आएगा। इसमें आधा इंच दाब बढ़ा के 10.25 पे हम निशान लगा देंगे। 10.25 और ऊपर वाले निशान से 1.25 इंच नीचे एक निशान लगा लेंगे। ये 1.25 इंच हो गया और इस निशान को हम मिला लेंगे ऐसे। और हमारे हाफ बैग देखिए 16 इंच है तो ये 16 हो गया। इसमें आधा इंच बढ़ा के 8.5 पे हम निशान लगा देंगे। पेड़ देखिए 33 इंच है तो उसका छठा भाग हम करेंगे तो 6 इंच पे हम देखिए निशान लगा देंगे और ये हिप 7 इंच पे हम निशान लगा देंगे। ये 7 इंच हो गया। अब हम सारे निशान को मिला लेंगे।
डेढ़ इंच यहाँ से और 7 इंच यहाँ से साइड चाक के लिए, 1 इंच और ऊपर, 1.5 इंच यहाँ, इसको भी हम ऐसे सीधा कर लेंगे। दूसरा निशान देखिए लग गया है। अब चलिए हम इसी कटिंग कर देंगे। दोस्तों बैग देखिए हमारी कट गई है। अब चलिए हम फ्रंट की कटिंग करते हैं। तो बैग को हम ऐसे उठाएंगे, उठा के ऐसे रखेंगे और नीचे से 1 इंच पर एक निशान लगा लेंगे ऐसे, और हम अपनी बैग को उसी निशान पर रख देंगे। अब हम बैक को पहले एकदम सीधा कर लेंगे। दोस्तों सारा निशान को हम पहले सीधा कर लेंगे। इसको एक बार मिला लेंगे। निशान एकदम सीधा हमारा है। और इसको हम हटा के सारे निशान को पहले मिला लेंगे। अब हम आगे से 1/2 इंच पे एक निशान लगा लेंगे सीधा। ये हो गया। अब हम पहले डिक का निशान लगाएंगे, हाले का 5 इंच पे पहले निशान लगाएंगे। ये 5 इंच हो गया, इसको सीधा कर लेंगे। यहाँ से 2 इंच पे निशान लगाएंगे, यहाँ से 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे, यहाँ भी 4.5, यहाँ भी 4.5, और हम इसको नाप लेंगे। आठ को हम इस निशान पर रखेंगे ऐसे। 37.5 है तो उसका आधा करेंगे, 19 आएगा। 19 पर निशान लगा लेंगे। यहाँ हम नापेंगे 6 इंच 100, यहाँ से रख के 33 है, 33, 16 2 32, 33 यहाँ निशान लगा लेंगे। हिप पे नापेंगे हम, हिप देखिए 7 इंच में 100 कम है, 7 इंच में 100 कम, इसको रख के 38 इंच हिप है, 19 पे निशान लगा लेंगे। 19 ये हो गया। अब हम पहले एक ऐसे निशान लगा के दामन का निशान लगाएंगे। रुको,
पहले अब हम यहाँ तख्ती के निशान लगाते हैं, 37.5 है तो 9 इंच पे निशान लगा देंगे, 9 इंच हो गया। और इसको हम ऐसे सीधा कर लेंगे, इसको ऐसे हम रखेंगे, रख के ऐसे निशान लगा लेंगे, ये हो गया। अब हम इसको ऐसे मिला लेंगे, ऐसे, और इसको ऐसे मिलाएंगे, ऐसे यहाँ से 2 इंच रखेंगे, ये हो गया। अब हम लंबाई का निशान लगा देंगे, ऐसे अब यहाँ हम 9.5 इंच पे पॉकेट के निशान लगाएंगे, 9.5, और इसको हम सीधा कर लेंगे, यहाँ से 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे, 4.5, यहाँ 2.25 इंच पे ये वाली निशान से 2.25, इसको यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे, इसमें सिलाई मार्जिन का दाब दे देंगे, हम यहाँ से 1/2 इंच एक पिक निशान लगा के इसको हम पहले सीधा कर लेंगे, ऐसे, और इस निशान को ऐसे मिला लेंगे। अब यहाँ से हमको 3 इंच का ब्रश देना है, तो ये 3 इंच हो गया। ऐसे ये हो गया, अब हम इसका आधा कर लेंगे, 1.5 इंच, और यहाँ से 2 इंच पे निशान लगा लेंगे, इसको ऐसे मिला लेंगे, ये हो गया। इसमें हम दाब रख देंगे, अब हम यहाँ से 2.25 इंच पे निशान लगाएंगे, पॉकेट 4 इंच की रखेंगे, और इसका आधा कर लेंगे, ये हो गया 1/2 इंच यहाँ से माइनस आगे करके
छः इंची पॉकेट का निशान लगा देंगे। ये हो गया। ये हो गया। आठ इंच आठ साढ़े सैंतीस, ये सही आएगा। छः इंच एक सूत, हिप 7 इंच में एक सूत कम, 7 इंच में एक सूत तक कम। और ये 14.5 इंच एक सूत, 38 निकाल दे रहे हैं। सात इंच का चौक है, दूसरा निशान लग गया है। अब चलिए हम इसकी कटिंग कर देंगे।
दोस्तों फ्रंट की कटिंग देखिए ये पूरी हो गई है। अब चलिए हम आस्तीन की कटिंग करते हैं। फ्रंट का आर्मोल देखिए हमने 6.5 इंच नापा है, तो हम आस्तीन भी 6.5 इंच पे रखेंगे। दोस्तों पहले देखिए एकदम ऐसे सीधा एक निशान लगाएंगे और 1.25 इंच पे एक निशान लगा देंगे। 1.25 इंच हो गया। अब देखिए 6.5 इंच पे एक निशान पहले लगाएंगे ऊपर से, और आस्तीन की लंबाई हम अब रखेंगे, आस्तीन की जितनी लंबाई है उसमें 1.5 इंच बढ़ा के हम रखेंगे। आस्तीन देखिए हमारी आस्तीन देखिए 23 है, 23 में हम 1.5 इंच बढ़ा के हम निशान लगा देंगे। अब हम निशान को पहले ऊपर वाले निशान को सीधा कर लेंगे और नीचे वाले निशान को बॉटम वाले निशान को हम 1.25 से 1.25 इंच क्रॉस करके निशान लगाएंगे। और 2.5 इंच देखिए इसमें हम दाब रख दिए हैं। अब देखिए शेप स्केल से हमको ऐसे जो है पहले एक निशान लगाएंगे, ये हो गया। अब हम 1.5 इंच में एक सूत कम पे एक निशान ऐसे लगा के 8.5 इंच पे हम पहले निशान लगाएंगे। अब उसका हम आधा करेंगे 4.5, और यहाँ से जितना आया है यहाँ तक पहले हम एक सीधा निशान लगाएंगे। यहाँ से भी ऐसे सीधा निशान लगा के पहले हम इसको सीधा कर लेंगे। आगे भी यहाँ भी देखिए 1.5 इंच में एक सूत कम पे निशान लगाएंगे और 5.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। इसको पहले हम एक ऐसे सीधा सेंटर का निशान लगा लेंगे, इसको ऐसे सीधा कर लेंगे। अब इसको शेप स्केल से देखिए ऐसे मिला लेंगे, ये हो गया। इसको भी शेप स्केल से हम देखिए ऐसे निशान लगा लेंगे ऐसे। अब हम देखिए सीधे स्केल से सेंटर वाले निशान से आगे एक निशान ऐसे लगाएंगे, और एक इस निशान से इस निशान तक हम एक निशान ऐसे लगा देंगे। और इसका हम देखिए निशान देखिए कैसे लगा रहे हैं, ऐसे ऐसे मुंडा स्केल को रख के ऐसे निशान लगा लेंगे। दोस्तों आस्तीन का निशान देखिए ये पूरा लग गया है। हल्का सा देखिए आप ऊपर भी ऐसे इतना शेप दे देंगे, निशान लग गया है। चलिए अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। दोस्तों आस्तीन का देखिए ऊपर का पल्ला ये कट गया है। अब हम नीचे का पल्ला ताल की कटिंग करेंगे।
दोस्तों आस्तीन की कटिंग ये पूरी हो गई है। कटिंग की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन कर दीजिएगा ताकि आने वाली कटिंग की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।